मुरादाबाद के मोटा पांडे क्षेत्र में संदिग्ध हालत में झुलसी एक महिला की उपचार के दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। नाम भैया आपका? रोहित। रोहित कहाँ रहते हो? जगरमपुरा। क्या घटना हुई है? खाना बना रहे थे दोपहर का, ऊपर डिबिया रखी थी, वो गिर गई थी ऊपर से, फिर आग लग गई। खाना चूल्हे बनाए थे गैस पे? गैस पे। डिबिया ऊपर रखी हुई थी जी, वो चूल्हे पे गिर गई। हाँ। तुम्हारी मम्मी थी जी? तो अब मौत कहाँ हुई है? कोसमोस। कब हुई है मौत? रात 11:30 बजे। बाड़मेर के ग्राम पंचायत उड़ासर के राजस्व गांव आदर्श जोगासर को राजस्थान सरकार के आदेशानुसार नवीन ग्राम पंचायत अलमसरिया खुर्द में जोड़ा जा रहा है। बहुत दूर और रास्ते के अभाव से जनता को परेशानी ना हो, इसलिए लोगों को मानना है कि उन्हें पुराने ग्राम पंचायत में ही रखा जाए। इसको लेकर ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत उड़ासर पर जाकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। क्या समस्या है? समस्या की है कि तकलीफ की है, हो रहा है जनता को, कोई पता नहीं चल रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। ये अभी दो चार लोगों ने जो उठाया है कि जनता को जागरूक किया है। क्या सर, यह क्या समस्या है? सर, ये ग्राम पंचायत पांडी का नवान की नाडी है, इसमें रात को ये जेसीबी द्वारा काम किया जा रहा है लोगों द्वारा। सर, आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है, तो हम एक महीने से पहले ही सेड़ुए गई। हाँ, सेड़ुए हमारे गांव के सरपंच को पूछा कि हमारा नाम लिखो, आप चलाते हो, जब कहे कि अभी मिस्टोल चलते है। जो हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पांडी किनवाड़ की है, जो भी नदी का में काम आये हुए है, जो खेल मैदान है, स्कूल का है। बाड़मेर जिले के उपखंड सेड़वा के ग्राम पंचायत पांडी का निवाण में मनरेगा योजना के तहत काम किया जा रहा है, जिसमें काम मनरेगा मजदूरों से ना कराकर जेसीबी चलाई जा रही है, जिससे मनरेगा मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। गाजियाबाद सिटी कोतवाली इलाके की पुरानी ट्रक यूनियन के सामने जीटी रोड पर आपसी विवाद के चलते दो महिलाओं में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको बता दें कि आसपास के लोगों ने दोनों महिलाओं को छुड़वाया। वहीं बताया जा रहा है कि पैसों के विवाद को लेकर दोनों महिलाओं में मारपीट हुई है। गाजियाबाद एसएसपी के आदेश पर चल रहे क्रैक डाउन को लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। इसी मामले में लोनी ट्रॉनिका सिटी पुलिस और दो बाइक सवार बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान शातिर बिरजू पहाड़ी नाम का एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए लोनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। वहीं एक बदमाश मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। 10 बजे के आसपास मेन रोड पर आवास विकास के सामने पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान रोकने का प्रयास किया गया। एक मोटरसाइकिल पर दो लोग थे, उन्होंने रोका नहीं और पुलिस पर फायरिंग की। फिर चेज के दौरान इधर पंच लोग के पीछे आवास विकास के जंगल की तरफ भागे बदमाश, उधर पुलिस ने भी पीछा किया और पुलिस के ऊपर कवर फायर में एक बदमाश आत्मरक्षा, जब पुलिस ने गोली चलाई तो घायल हुआ और एक बदमाश इरफान जो है मौके का फायदा उठा के फरार हो गया। ये बदमाश जो है पहाड़ी जो है सातिर किस्म का अपराधी है। और गाजियाबाद के लोनी की बात करते हैं, जहां प्रेमनगर कॉलोनी में एक मकान की छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 5 लोग मलबे के नीचे दब गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चों सहित 5 लोगों को मलबे से बाहर निकाला और घायल अवस्था में लोनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में भर्ती कराया। लोनी के प्रेमनगर में लियाकत अली का मकान बारिश के कारण गिरने से 5 लोग उसमें जो रह रहे थे वो घायल हो गए। घायलों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और लियाकत अली गरीब हैं और इनका जो पीओ डूडा की योजना जो है उसके तहत आवेदन करा लिया गया है और शीघ्र ही इनको जो है भवन आवंटन कर दिया जाएगा। रामपुर के सैफनी में कावड़ को लेकर कोतवाल ने जनता इंटर कॉलेज में नागरिकों से बात करने के लिए एक मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में कोतवाल कावड़ को लेकर लोगों ने राय मशवरा किया। आने वाले 17 तारीख से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, जो लगभग 1 माह तक चलेगी। कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए आज सैफनी क्षेत्र में हम लोगों ने हिंदू और मुस्लिम व्यापारिक संगठनों की मीटिंग की गई है, ताकि हम त्यौहार को सकुशल संपन्न कर सकें। और त्यौहार जो है, त्यौहार में यदि कोई विवाद होता है तो हमारे ये लोग बढ़ चढ़ कर आगे हिस्सा लेकर मामले का निस्तारण करके त्यौहार को संपन्न करा सकें। ठीक है।
जबलपुर में प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर वकीलों ने दो दिन तक अदालती कार्रवाई में हिस्सा न लेने का फैसला लिया है, जिससे पहले ही दिन अदालत में कामकाज प्रभावित हो गया। वकीलों की नाराजगी इस बात को लेकर है कि कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र में वकीलों की सुरक्षा के लिए प्रदेश में प्रोटेक्शन एक्ट लाने का वादा किया था। एक बार फिर वही मुद्दा, वही विषय, वही विवाद, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट। पिछले लंबे समय से प्रदेश स्तर के अधिवक्तागण एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते चले आ रहे हैं, जिसको पूर्व की सरकार ने नजरअंदाज किया था 2012 में। मुख्यमंत्री ट्रेन में सफर कर रही एक महिला के साथ आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। महिला ने जबलपुर पहुंचकर जीआरपी थाने में आरोपी आरपीएफ अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ये अभी ओवरनाइट एक्सप्रेस में कोई छेड़छाड़ का मामला कुछ सामने आया है। एक महिला यात्री जो इंदौर जबलपुर ओवरनाइट एक्सप्रेस में यात्रा कर रही थी भोपाल से जबलपुर के A1 कोच की बर्थ नंबर 15 और 16 पर बैठी थी, इनके द्वारा जीआरपी थाना जबलपुर में आकर एक शिकायत कराई गई है कि 13 नंबर की बर्थ पर जो व्यक्ति थे उन्होंने इनके साथ अश्लील हरकत की है। ग्वालियर में भारतीय विकास परिषद द्वारा शासकीय JH अस्पताल में ठंडे पानी की मशीन का शुभारम्भ किया गया, साथ ही भोजन वितरण भी किया गया। इस अवसर पर जागरूकता अभियान के तहत सामाजिक कार्यों की कार्यशैली को समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से जन जन पहुंचाने वाले पत्रकार योगेश बिसारिया को पूर्व विधायक ने सम्मानित किया। प्राइवेट संस्था इतना अच्छा काम कर रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आज भारत विकास परिषद में GH परिसर में 1100 लीटर का चिल्लर प्लांट लगाया है। ये बहुत ही पुनीत कार्य है, क्योंकि यहाँ GH के अंदर संभाग वर्ग का मरीज आता था, उसको पानी की जो परेशानी होती थी, निश्चित तौर मरीजों को और उनके टेंडरों को, दोनों को बहुत लाभ पहुंचेगा। भारत विकास परिषद के इस पुनीत कार्य के लिए उनका दिल से आभार। हमारे भी संभागीय आयुक्त DM शर्मा साहब, हमारे अशोक मिश्रा जी, हमारे MBS शर्मा जी, हमारे विनोद गर्ग जी, ये सभी आज अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। इन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार हमारी समाज संस्था हैं वो लगातार समाज सेवा क्षेत्र में इसी प्रकार काम करती रहेंगी, उनका पूरा सहयोग मिलता रहेगा। हमारी ओर से धन्यवाद। सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिलेगा? निश्चित तौर पर सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से, सभी तरफ से जो संभव है सहयोग करेंगे। ऐसे पुनीत कार्य में हमारा सहयोग हमेशा रहेगा। रामपुर में दूसरों की हिफाजत करने वाली महिला सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा खुद राम भरोसे है। जी हाँ, यहाँ महिला सिपाही से दरोगा ने छेड़छाड़ की। इस दौरान लोगों ने उनका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके लॉकअप में बंद कर दिया है और अपनी जांच शुरू कर दी है। कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें महिला कांस्टेबलों से छेड़छाड़, बदसलूकी, पूरा मामला जानना चाहेंगे और क्या कदम उठाया गया पुलिस की तरफ से। देखिए, हमारा जुलाई अभियान चल रहा है महिला जागरूकता को लेकर के, और इसमें हमारी सिविल पुलिस के लोग भी हैं। जनपद स्तर पर एक टीम गठित हुई है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार, और एंटी रोमियो स्क्वाड्स हमारे इसमें काम कर रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड्स में हमारा एक मेथड ही है ट्रेप, कि लोगों को अगर हम पुलिस की वर्दी में महिला कर्मी भी भेजेंगे तो लोग सतर्क हो जाएंगे, अगर वो सादे कपड़ों में जाएँ तो कुछ लोग हमारे ट्रैप में फंस सकते हैं। कल की घटना वस्तुतः इसी तरह की घटना है कि हमारी एंटी रोमियो स्क्वाड के लोग सादे कपड़ों में थे,